जैसे डिप्रेशन का जब हिस्ट्री लेती हूँ तो जैसे जैसे आप जैसे पढ़ा रहे तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट उनको एक अपने बारे में दूसरों के बारे में अच्छे से मालूम नहीं है इसके कारण हो रहा है। अगर वो जान लेंगे कि उनकी प्रकृति ऐसे ही है और वो ऐसे ही बिहेव करने वाले हैं तो शायद वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बिकॉज आई एम लाइक दिस ओनली, दैट पर्सन विल बी लाइक दैट ओनली, आई कांट चेंज हिम एंड ही कांट चेंज मी। तो हम लोग को आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है। तो लेडीज नमस्ते बहुत नमस्ते। बार ओके हाँ, तो या तो ये मतलब रियली इट्स इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत मतलब पढ़ा या कुछ लोगों से बातें भी की कि कैसे मतलब इसमें क्या हो सकता है, तो वी विल डिस्कस इट। कि देखिए, जैसे कि वाता इज हैविंग एनर्जी, सो वात में हमेशा एनर्जी होती है, और मतलब कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी है या उसके कुछ खामियां भी है। पित्त इज ऑल्सो हैविंग समहाउ ग्रीडी एम्बिशंस पजेशन, ये सारी पित्त की क्वालिटीज है। एंड कफा इज कूल, मतलब कफा का ये कूलनेस ही उनको अच्छा बना देता है। लाइक सो सी, एक रूल होता है ना कि लोग किन लोगों को पसंद करते हैं एज अ असिस्टेंट, एज अ जैसे हम काम करते हैं ऑफिस में, कहीं पे भी ये पॉलिटिक्स होता है। तो अगर दोनों मतलब सेम क्वालिटीज वाले हो, दोनों डोमिनेंट हो तो नहीं होता है। तो एक जो बॉस होता है उसको हमेशा एक ऐसा चाहिए आदमी, उसका चेला, जो कि उसका सब सुने, ऐसे भी कुछ होता है। और कभी कभी हम किसी किसी लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसे ये होता है कि दिस इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, इतना सिंपल दिखता है, बट उनके पीछे कोई तो होता है उनका सपोर्टिव, जो कि उनको सपोर्ट करता है। तो मतलब जैसे मैंने ये किया पढ़ा तो उसमें मुझे ऐसे लगे, तो मुझे आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं फ्रेंड्स की क्वालिटीज ना, फ्रेंड्स की क्वालिटीज में अगर डोमिनेंस देखा जाए कि वात को हमेशा कफ का पसंद साथ पसंद आएगा, वात ऑलवेज प्रिफर कफ दोषा। बट अगर लाइफ पार्टनर की बात हम करेंगे तो आई थिंक सी मतलब हस्बैंड वाइफ दो है तो वात पित्त, मैं कह रही हूँ पित्त कफा ऐसा अगर है तो चार जो भी मतलब डोमिनेंस होंगे दोष में से, इफ देर इज अ कफा इन बोथ, कोई भी मतलब सेकेंडरी या फर्स्ट वट एवर, कफा अगर होता है तो मतलब बैलेंस अच्छा होता है। बट इफ वाता इज देयर देन देयर विल बी समहाउ पजेशन या कुछ हमेशा, क्योंकि वाता इज हैविंग समहाउ ग्रीड एंड रजोगुना क्वालिटीज, तो वात होता है तो मतलब चिड़चिड़ या सब समहाउ डिफिकल्टीज इन देयर रिलेशंस, ये हो सकता है। बट चार जो दोष होंगे दोनों में से भी, अगर इफ कफा इज देयर दे कैन मोल्ड, दे कैन एडजस्ट बिकॉज इट इज हैविंग अ कूल नेचर, कफा इज हैविंग अ कूल नेचर, वात पित्ता इज देयर बोथ वाता और वात पित्ता, देन इट विल बी रियली हॉरिबल बिकॉज पित्ता इज ऑल्सो हैविंग अ डोमिनेंट नेचर एंड वाता इज हैविंग अ मोर एनर्जी एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड समहाउ द नेचर द क्वालिटीज ऑफ रजा। सो वात पित्त और पित्त वात का कॉम्बिनेशन हमेशा कुछ अच्छा नहीं रहेगा। बट दोनों में से कहीं पे भी अगर कफा इज देयर इट विल बी बेटर। एंड फ्रेंडशिप में अगर देखेंगे तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंड शुड बी लाइक लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर में हमें कुछ अलग क्वालिटीज चाहिए होती और फ्रेंड्स में हमें कुछ अलग मतलब ये मैंने अब थोड़ा पढ़ा या मैंने जैसे भी चर्चा की है, तो फ्रेंड हमेशा कैसे चाहिए कि हम सब हमारा सुनने वाले चाहिए, लेकिन पार्टनर तो हमें कूल चाहिए, जो मतलब इस प्रकार से कि हमारा अगर नेचर थोड़ा एग्रेसिव है तो हम अगर मैं वात पित्त की हूँ तो मुझे कफ पसंद आएगा, है ना। लेकिन फ्रेंडशिप में ऐसा जरूरी नहीं है ना कि क्योंकि वात वात का भी फ्रेंडशिप हो सकता है बिकॉज दे आर हैविंग द सेम क्वालिटीज लाइक वॉन्डरिंग मतलब गप्पे लड़ाना, ये वो सभी चीजें उसमें होती है तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एक रिसर्च हुआ है, तो इन्होंने एक क्वेश्चनरी बनाई थी, दे हैव मेड अ क्वेश्चनरी एंड दे हैव गिवन बोथ दोनों को दिया था, तो उसमें जो रिजल्ट आया है तो मैंने डिस्कस किया है। तो लाइकवाइज की कफा इफ कफा इज देयर, बट हम हमेशा वात को क्यों ये करें, मतलब वात को हमेशा हम कम समझते हैं, वाता इज नॉट लाइक दैट, वाता इज हैविंग मच मोर एनर्जी। तो वात अगर होता है ना कफ के साथ तो अच्छा जम सकता है उनका भी, इफ वाता एंड कफा इज, बिकॉज वाता इज स्टिम्युलेटिंग एंड कफा इज समहाउ स्लो, तो एक मतलब उसको पुश करता रहेगा और एक थोड़ा दोनों का मतलब वाता कफा कॉम्बिनेशन का अच्छा जमेगा। लेकिन वाता एंड पित्ता तो मतलब इरिटेशन ज्यादा रहेगा एक क्वालिटीज के हिसाब से अगर हम देखें तो, मुझे ऐसे। आप बताइए आपका मतलब इसमें क्या बताइए। हाँ,
हाँ मैम, जैसे कि मैं बहुत धीरे धीरे काम करने वाली हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, और मेरे हस्बैंड मतलब उनका एक ही काम है लेकिन वो फास्ट करके निपटा देते हैं, और फिर ब्लेम करते हैं कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज हिज नेचर इज क्रिटिसिज्म, ही ऑलवेज क्रिटिसाइज, उनके मुंह से सिर्फ एडवाइस निकलेगा या क्रिटिसिज्म होगा. तो क्रिटिसिज्म इज द क्वालिटी ऑफ पित्ता, बट सी पित्ता क्रिटिसाइज करेगा, डोमिनेंट रहेगा, वाता भी थोड़ा होता है उसमें, लेकिन इतना नहीं होता है, वाता मतलब कभी कभी छोड़ भी देने वाला, एंड वात हमेशा वाता क्रिटिसाइज करेगा ऐसे नहीं होता, लेकिन पित्ता ऑलवेज हैविंग अ डोमिनेटिंग नेचर. हाँ बताइए बताइए, आप फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ में क्यों नहीं आता है, मतलब मेरा ये रहता है कि इनका, पहले तो मैं बहुत सोचती थी कि ये पर्सनालिटी क्या है, लेकिन अभी आप जैसे मुझे ये जैसे प्रकृति का आप सुन रही, तो इनको चेंज करना ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रकृति तो उनकी है, इनको चेंज नहीं कर सकते. जैसे मतलब सेल्फिश बोलने से वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज पित्ता, सेल्फ सेल्फ ये होता है, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ज्यादा. कफा इज आल्सो सेल्फ सेंटर्ड समहाउ, मतलब कफा आलस होता है थोड़ा, मतलब उनको ये करना पड़ता है. बट अगर वर्क लाइफ अगर हम देखेंगे ना, इफ पित्ता इज देयर एंड वाता इज आल्सो देयर, सो इट विल बी अ गुड क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि वाता एनर्जी देता है और वाता इज हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ वेस्टिंग एनर्जी. पित्ता एनर्जी वेस्ट नहीं, कफा एनर्जी वेस्ट नहीं करता. देखिए कफा मतलब चलने हिलने, वो अगर जगह से उठना भी है उनको, दे विल थिंक ट्वाइस. तो इस प्रकार से दे नेवर वेस्ट देयर एनर्जी, वाता ऑलवेज वेस्ट एनर्जी. उनको एक ही मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने होते वाता प्रकृति को. बट अगर वात के साथ पित्ता अगर होता है तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो अच्छा होता है. तो मतलब मेरे बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक समय में बहुत ज्यादा कुछ कुछ करना चाहती हूँ, बट एज आई हैविंग वाता एंड आल्सो पित्ता इज देयर, आई कैन मैनेज इट. If pitta is there, we can manage things easily because pitta is having a tendency of organization. उसका मतलब output देना, इस प्रकार से designing करना, ये वाता मतलब pitta में होता है. वाता कैसे है कि move करता है fast, ये करो वो करो वो करो, लेकिन उसको designing नहीं करते, वो काम शुरू कर देते हैं. बट पित्ता इज हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ मेमोरी, स्पिरिट अच्छा रहता है, कॉम्पिटिशन होती है उसमें, तो वो मतलब पोड़ होती है, तो he will always complete the work. कफा को पुश करना पड़ता है. इफ कफा वन स्टार्टेड वर्क, कफा इज द बेस्ट प्रकृति. इफ ही हैज हैविंग कंट्रोल ओवर हिज आलस्य, उसमें जो थोड़ा सुस्ती होती है ना, लेजीनेस होता है, उसको अगर कफा ने कंट्रोल कर लिया तो कफा इज द बेस्ट पर्सनालिटी, क्योंकि बाकी सारी क्वालिटीज उसमें है, कूलनेस है, और यही क्वालिटीज से सी कफा इज लेजी, बट स्टिल वी लव कफा पीपल ड्यू टू देयर कूलनेस, देयर स्वीटनेस, स्वीट टंग उनकी होती है. सो ये हमेशा हमको पसंद आता है और वी प्रिफर सच टाइप ऑफ क्वालिटीज और सच टाइप ऑफ पर्सन्स. सो पित्ता एंड वाता दे आर हैविंग एनर्जी, दे आर हैविंग सो मच गुड क्वालिटीज, बट कफा ऑलवेज ऊपर रहता है कफा ड्यू टू देयर स्वीट टंग एंड मतलब बाकी क्या जो है ना उनका नेचर, समझ लेना, एडजस्टमेंट्स होती है, किसी सबको सुन लेते हैं, कुछ बोलते हैं. वाता पित्ता ऑलवेज की मेरा सुनो, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, टिट फॉर टैट. कफा नॉट, कफा इज अ स्लो पॉइजनर, वो हमेशा कभी ऐसे एकदम तुरंत जवाब नहीं देगा, लेकिन वो मन में रखेगा. एंड कफाज नेचर इज लाइक दैट कि वो मन में रखेगा, मतलब दृढ़ शत्रुत्व कहा है उसको, तो शत्रुता भी करेगा तो धीरे करेगा, लेकिन एक बार शत्रुता कर ली तो बस वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा. लेकिन माता पिता भूल जाते हैं थोड़ी, उनको उनके बोलने में मतलब थोड़ी ग्रीड है, जेलसी होती है, फटफट बोल देते हैं, बट दे फॉरगेट अबाउट इट. बट कफा स्वीट टंग इज, ज्यादा स्वीट भी अच्छा नहीं होता है, अगर ज्यादा होता है तो ये कफा का होता है. तो क्वालिटी थोड़ी बहुत तब में क्वालिटी रहेगी, सत्व रज तम, तो ये ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा. यस डेफिनेटली डेफिनेटली. सो इस प्रकार से आगे भी हम ये करेंगे, तो वी आर जस्ट कंप्लीटिंग अवर सम पोर्शन. लाइक यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीजनल रेजिमन. ओके, so I am sharing the remaining three, जो भी बाकी के तीन हमारे बचे थे ना, बाकी के तीन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं fastly and then we will move forward. सीजन वाइज हम लोग देख रहे थे.
की लाइफस्टाइल कैसी हो। सो नाउ हेमंत ऋतु लेट ऑटम, सी दिस इज द पित्त शमन सीजन। सो मिड नवंबर टू मिड जनवरी ग्लो ऑफ कूल ब्रीजिंग बिगिंस एंड चिलनेस इज फेल्ट डोमिनेटिंग रसा एंड दिस सीजन इज मधुर एंड द वेल ओवरवेलमिंग महाभूताज एंड आर पृथ्वी एंड आप द एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टेट ऑन हाइएस्ट एंड विदाउट पित्त दोष गेट्स एक्सक्यूज्ड एक्शन ऑफ अग्नि इज इंक्रीज्ड। डाइट रूटीन में अगर हम देखेंगे तो वन शुड नॉट ईट मतलब स्मूथ ज्यादा स्वीट, वन शुड ईट स्वीट स्मूथ टार्टी एंड साल्टी फूड्स लाइक पल्सेस न्यू राइस फ्लोर अरेंजमेंट्स ग्रीन ग्राम mash etc are suggested to be eaten. Different meats, fats, milk and milk items, sugar cane items like sidhu ek madhya ka prakar hota hai, it is a one type of wine, then sesam etc are likewise to be incorporated into the, this eating regimen. So vata aggravating food grishma varsha sharad, varsha sharad and heman. This hemant rutu is having a pacification of pitta dosha and somehow there is starting of accumulation of kapha dosha. So kapha se related jo bhi food material hai usko hum le nahi sakte hain. So vata aggravating foods such as laghu cool and dry fruits are to be stayed away from. Consumption of cold drink is likewise contraindicated because yahan pe bhi thoda sa thandi hoti hai to vata ko bhi matlab thoda isme ye karna hai. Though vata is not in aggregating stage, still we have to control vata dosha. Exercising body and head massage and utilization of warm water, फिर अतप सेवन, use of agru on body, substantial garments, sexual liberty with one accompliance and living in warm places is suggested. So napping during the day is also advisable in this season. So we have to care about pitta and kapha dosha in this late autumn or hemant rutu. This one is the just a slide. Hemant, in this rutu, in this season, body is in having a good strength, hungry, excellent health, immunity achhi hoti hai. This season is called as slack season for doctors. Doctors on leave, doctors can take rest in this season because everyone is having a good strength in this season. Ayurved ke hisab se is season ko acha mana hai, immunity achhi hoti hai. So, but cold weather hai, so vata should avoid the cold drinks. Pitta shaman season, so stomach fire is good. Can ingest anything, so we can eat all type of drink laddu and all type of nuts and almonds and all type of proteinous food in this season because our stomach fire is really good in this season. Kapha is accumulating stage, so avoid kapha inducing food or weather or whatever the regimen is. Now the next one is Shishi Rutu, winter, mid-January to mid-March. So during this season, the environment remains cold and windy. The strength of the person remains less in this season. Abhi, see, Hemant Rutu mein the body strength was very good, but in this Shishi Rutu, jo strength hota hai, thoda kam hona start ho jata hai. A deposition of Kapha Dosha happens and Agni remains in a higher state also. Diet routine, foods having Amla Rasa, tarty as the overwhelming taste is preferred, cereals, pulses, baki wheat, gram, flour, new rice, corn and other are suggested, ginger, garlic, haritaki, because January, ye jo matlab hota hai ki thandi hoti hai bahut bahut jagah pe, there is a cold, so we can prefer such type of food material which are having like digestive usme property hoti hai, carminatives wagera hote hai, so they are really good for our digestion. Food having katu, pungent, tikta, kashay, astringent, dominating rasa are to be stayed away from. Laghu and sheeta foods should be avoided. Lifestyle massage with oil, powder, paste and take shower with this tepid water, matlab gunguna pani, exposure to sunlight and wearing warm clothes is essential in this season to stay away from kapha dosha. So kapha accumulation stage in this winter season. This is just a picture of Shishi Rutu. Vata in normal stage, to follow all routine guidelines. As cold season, avoid cold things, include laghu, some spicy food into your course, can take madhur sour taste, massage preferably done to avoid the dryness. Pitta, little sour should be taken. Massage is also preferable for pitta.
कफा कोल्ड सीजन कफ अकुमुलेशन सो टेक केयर अबाउट द स्वीट सोर फूड टेक सन रेज फॉर कोल्ड बाजरी सीसम जागरी लाइक संक्रांति इज देयर इन जनवरी वी सेलिब्रेट द सी अवर फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड विथ सीजनल रेजिमन और हमारे जो भी त्यौहार होते हैं ना जो वहाँ पे फूड पैटर्न होता है सो ऑलवेज इट इज रिलेटेड विथ अवर दोशा एंड बॉडी पैटर्न ऑल्सो एंड द लास्ट वन इज स्प्रिंग नाउ वी आर इन स्प्रिंग सीजन दिस इज नाउ वसंत ऋतु वी आर मार्च जो चल रहा है ना अभी मार्च और अप्रिल सो दिस इज द वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन March to mid-May, this season is considered as the Vasanta Rutu is the king of all season. Rutuon ka raja ise kaha hai, Rutu Raj. So, this is the perfect season for Paryatan. जो भी ये होता है ना इसके लिए बहुत ही इसका tourism के लिए बहुत अच्छा season माना जाता है February and March. Flowers and all type of like season is very pleasant in this Rasa and Mahabhutas during the season are Kashay. And Prithvi and Vayu respectively and individual strength during this season remains in the medium degree. This is now medium degree. पीछे का जो था it is less, अभी medium है और बाद में और थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा. So this is the classical season for Ayurvedic Vasantik Vaman. Vaman, vomiting जो process होती है ना इसमें औषधि दी जाती है और फिर we eliminate the whatever we take. एज अ काढ़ा औषध का जो डिकॉक्शन होता है एंड ड्यू टू दिस कफा जो बड़ा होता है वी कैन रिमूव इट इजिली दिस इज द क्लासिकल सीजन फॉर वासंतिक वमन एवरी वन शुड डू सच टाइप ऑफ वमन डाइट रेजिमन इसमें वन शुड टेक फूड्स दैट आर इजिली डाइजेस्टेबल सेरल्स वीट राइस ओल्ड बार्ली सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस सीजन पल्सेस लेंटिल मूव सो फूड आइटम्स शुड हैविंग बीटर एंड कटू इन दिस इज द परफेक्ट सीजन फॉर बटर मिल्क We should take buttermilk, then shadangodak. Shadangodak means jo ubla hua pani hota hai. We should boil the water, then make it half portion usko and then add some type of ginger, shunti, musta usme bana kar agar hum dalte hai. Toh, this is a classical drink as per Ayurveda for this season. Buttermilk, ye, and then terminalia chebula, haritaki, hirda powder. These three drinks are preferable in this vasanturu. So, food that are cold, heavy and viscous should be avoided. Using tepid water for bathing is considered ideal exercising during Vasant Rutu is must massage with the powder of Chandana, Keshara, Agru. Massage is advisable in every Rutu, but we have to take care what we are using as per our dosha, like oil for Vata, oil in winter season. Now here, we have to use some dry powder. To reduce the accumulated kapha dosha. If we scrub this type of powder, it's really good for skin and also it reduces the laziness, the alas, which is in this season, we feel, so every person feels laziness in this season. So it's really good to take such type of scrubbing in this season. Udvartan, Ayurveda says, Udvartan, aap anjan, baki dhum, nasse bhi kar sakte hai season mein. So this is our seasonal regimen. Can use pickles, avoid bitter astringent, boiled water, warm water, pitta, avoid masala and all things. Consume neem leaf is also really good in this season. If daily 10 to 15 neem leaves are consumed early morning, it induces our immunity and it's really good for all dosha. Neem leaves in this season specifically. And in this season, Hindu Om ka jo Navavarsh hota hai, Padwa. So Padwa isi season mein aata hai on that day. People believe to use this neem leaves for our health. इसको हम मतलब बना के काढ़ा बना के या कच्चा भी उसको खा सकते हैं. We can take it at the rough also. So this is the kapha vitiation season. Kapha का हमें देखना है. Kapha inducing हमें कुछ भी we should avoid. Kapha inducing diet and whatever the regimen is. So use Uptan as just now I have told about the Uptan detailly. So इस प्रकार से हमें इसको हमने जो रेजिमेंट था डेली डाइट सीजनल वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रेजिमेंट्स ओके सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर इज वी हैव टू थिंक अबाउट द डिसीजेस सो नाउ जस्ट आई एम शेयरिंग द स्लाइड एंड प्लीज आंसर सी नाउ How to use this prakruti in clinical
प्रैक्टिस। यस डॉक्टर सुषमा प्लीज बताइए। यस दिस इज अ केस, आई एम प्रेजेंटिंग यू सम केसेस एंड वी हैव टू डायग्नोस अकॉर्डिंग टू प्रकृति। इफ रजगुण प्रधान हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जैसे मतलब हमेशा अपने अपने रहने वाले, कुछ अलग अलग बिजनेस भी छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होती है कोई काम में, उनका स्वभाव भी मतलब संशय होता है, डाउट लेना, झगड़ा करना, झगड़ालू होते हैं, इस टाइप के जो होते हैं ना। तो हाँ बताइए और नेक्स्ट मैं शेयर करती हूँ। दिस वन पेशेंट्स एज 40 ओवरवेट businessman sitting for 10 to 12 hours daily for work, allergic rhinitis, asthmatic. What suggest? I'm cough prakriti. Kapha pitta. Okay. Kapha pitta. Okay. This one. Graying of hairs, early age female. Pitta. No other complaints. Pitta. Homemaker, grohini hai ye. Pitta. Case number 4. Eclampsia female age 50, homemaker, no morbidity, कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ eclampsia is there. What should it suggest? वात होगा मैम, वात पित्तज, वात. मैम वात तो है. Yes. पित्त भी है. Yes. Case number 5, blackish discoloration of skin, especially hands, feet, age 20 years girl. पित्त. Obesity. Yes. क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रकृति। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हाउ टू लुक आफ्टर दैट प्रकृति। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ प्रकृति एंड डिसीजेस। तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड डिसीजेस? एनी आइडिया एनीवन फ्रॉम यू? Yes. जैसे जो प्रकृति रहती है उसके अकॉर्डिंगली यदि खान पान सही नहीं होता है तो बहुत हद करके जो रहेगा उसको, जैसे वात वाला यदि है, प्रॉन रहेगा, जैसे उसमें ड्राइनेस वगैरह ज्यादा रहेगी तो वात रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ऐसे ही कफ प्रधान यदि प्रकृति है और कफ वर्धक आहार विहार उसको उसके प्रकृति के अनुरूप खाएगा तो कफ वर्धक ज्यादा उसको बीमारी होने के चांसेस रहेंगे। So see, vata prakruti or vata dosha, as it is having a raja, it is having a dryness, mobile nature. So vata prakruti is the, like vata ladya sadaturata. Vata prakruti is the more prone to the diseases. Whatever the diseases are, they are very much in vata dosha. When there is a vata dosha dominantly or predominantly, matlab secondary or firstly, to wahan pe ज्यादा डिसीजेस होने की संभावना होती है। सो दे आर ऑलवेज लाइक, आज क्या सर में दर्द है, कल क्या मेरा पेट दुख रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट मतलब ना ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं होता ये, एंड वो हमेशा दे आर लाइक सच टेंडेंसी ऑफ देर, उनका स्वभाव होता है कि कभी हम बोलते कि क्या तेरा तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ दुखता है, कुछ ना कुछ होता है, तो ये कुछ ना कुछ होना, कुछ ना कुछ चलते रहना, एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ वात प्रकृति। सो वात प्रकृति इज हैविंग, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोर प्रोन टू द माल न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। सो लाइक इमोशनल जो भी ये होता है एंड सेटिस्फेक्शन नहीं होना, या मेंटली हमेशा कुछ मतलब कभी सेटिस्फाइड नहीं होते ये पीपल, कुछ ना कुछ उनको
कमी रहती ही है. सो दे आर ऑलवेज हैविंग एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस एंड सो दिस लीड टू मोस्ट ऑफ द टाइम टू सम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स मोस्टली ऑब्जर्व इन वात प्रकृति. सो इट हैज इट ऑल्सो हैज अ क्लियर फिजिकल इफेक्ट ऑन देयर रिस्क ऑफ कंडीशंस लाइक ओबेसिटी, cardiac diseases, diabetes, asthma, like rapid aging and gastrointestinal problems. Stress and anxiety can also affected to the ability to relax and get proper sleep, contributing to the further deterioration in health of other problems. So zyada se zyada vat prakruti mein, jaise Ayurveda says, there are 80 variety of diseases. 80 aur nanatmash vikar vat prakruti mein bataye gaye hai. So really what the person you observe surrounding your like your family members, in your society, your relatives. So some people are always having some problems, suffering from any issue. So I think these are really vata persons. Or there may be a vata secondary dosha. So vata people are more prone to diseases like joint pain, nervous disorder, depression, anxiety, eclampsia, such type of diseases. Okay? Pitta. So pitta is hot. Like pitta is... उष्णता उसमें ज्यादा होती है. दे आर हैविंग तेज महाभूत इन इट. तो इस प्रकार से एंगर, ग्रीड, एम्बिशंस हमेशा उनमें ज्यादा होती है. तो उनको मतलब इस प्रकार से ओवर ये होता है, ओवर पजेसिव और ओवर एम्बिशियस होने से और उनका जो हॉटनेस है ये इसी नेचर से दे आर ऑलवेज हैविंग डिसीजेस लाइक अल्सर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. रक्त से रिलेटेड, पित्त और रक्त का आश्लेषी संबंध होता है. तो रक्त रिलेटेड लाइक अल्सर, स्किन रैशेस, हेयर प्रॉब्लम्स, हिमोराइड्स या फिर खालित्य, पालित्य, बाल्डनेस. सो दे ऑलवेज हैविंग सच टाइप ऑफ इश्यूज. कफ प्रकृति, दो इट इज अ कूल प्रकृति, सो इट इज लेजी, हैविंग थर्मो डोमिनेंस एंड दे ऑलवेज प्रिफर सच टाइप ऑफ स्वीट फूड एंड देयर लाइफ स्टाइल इज लेजी. सो द लेजीनेस ऑफ कफ पर्सन more prone to hyperlipidic disorders as kapha is having a similar properties of the fatty acids or fatty tissues or lipid tissues. So obesity has become one of the major problem in the modern society as it greatly increases the risk of numerous health disorders. So obesity kapha se bhi hoti hai aur obesity vata se bhi ho sakti hai kyunki anxiousness, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि एंग्शियसनेस अगर होता है, एंग्जाइटी, तो उसमें ये हैबिट लग जाती है कि खाते रहना. जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो इस प्रकार से हैबिट होती है और दे मे हैव सच टाइप ऑफ ओबेसिटी. देन कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स इसमें जैसे कि अमाशय समुद्भवत आयुर्वेदा एज पर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टमक, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के डिसीजेस उसमें हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, like sleep apneas and hypertension. So kapha is having the tendency of santarpanottavan as per Ayurveda. They're always having a overweight, hypertension related problems. Kandu bhi unme ho sakta hai kapha prakruti mein. Then shwas kas, respiratory problems also seen in this type of prakruti. So diseases always related to prakruti. अब डिसीजेस के बारे में जैसे आयुर्वेद में कहा है कि डिसीजेस तो ठीक है कि कौन से डिसीज सभी को, दो इट इज सेम बट सभी डिसीजेस सभी को हो सकते हैं. जैसे वाता में हैव ओवरवेट, कफा में हैव एंजाइटी, पित्ता में सफर फॉर हाइपरटेंशन, तो कभी सभी को होते. बट देर आर अ चांसेस ऑफ इफ आई एम अ वाता प्रकृति देर आर चांसेस ऑफ वाता डिसीजेस ऑफ दोस पर्संस which are having a pitta prakruti, they are more prone to pitta disorders. If a person is of kapha prakruti, he is more prone to kapha disorders. But if vata prakruti mein agar vata disorders hote hain, so is it easy to treat or whatever? Yes, bataiye kya hota hai isme? If vata person is suffering from vata disorders, what will be the condition? Is it curable easily or is it hard to? Yes. हम इसको क्योर करना तो डिफिकल्ट होता है. वात प्रकृति वाले को यदि वात प्रधान डिसीजेस होती है. देयर आर दो बोथ साइड्स, देयर आर बोथ साइड एज पर आवर चरकाचार्य. चरका सेज समटाइम्स
इट्स रियली गुड. जैसे कि वाता और वाता दोनों एक ही है तो हमें इसमें स्निग्धता यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रेफरेबली. बट वाता में पित्त का होता है ना, तो पित्त को तो ठंडा देना है, बट प्रकृति उसकी वाता है जो टॉलरेट नहीं करती कोल्ड. सो हाउ टू ट्रीट इन दैट इन सच कंडीशन. सो sometime it may be difficult or sometime it may be good for if dosha prakriti and dosha are same dominance. If vata prakriti person is having a nervous disorder, sometimes it is really easy to treat, but sometimes it may go into chronicity. Are you getting my point? Are you getting? Okay. Yes, ma'am. Yeah. So any doubt in this? So charak sahita ke hisab se to matlab ट्रीटमेंट के लिए अच्छा ही बताया है. फिर आगे जाके उन्होंने ही बताया कि कभी कभी इसमें कष्ट साध्यता होती है क्योंकि प्रकृति वही है, तो प्रकृति का मूलभूत दोष वही है. तो इसीलिए जैसे वात प्रकृति में संधिवात अगर होता है, सो इट्स आई थिंक इट्स मोर मिजरेबल फॉर वात प्रकृति. इफ कफ प्रकृति इज हैविंग ओबेसिटी, आई थिंक इट्स रियली मिजरेबल और इट्स रियली हेक्टिक टू रूल आउट और टू सॉल्व द ओबेसिटी इन कफ प्रकृति पर्सन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? If this obesity is in vata prakriti, we can easily reduce their weight. But in kapha, it's really hard, or it takes lots of efforts to reduce the weight of kapha prakriti person if he has a obesity. Okay? Is it okay now? Is it clear for all? Varsha ji, Amna ji, Usha ji, sabhi ke liye? Okay. Now, yes, ma'am. So some disorders, lifestyle disorders, correlated Ayurvedic conditions, most prone prakriti like atherosclerosis, it is more oftenly seen in kapha and vata prakriti. Atherosclerosis, you know atherosclerosis, there is a accumulation of cholesterol or lipid substances in the arteries. Then Alzheimer's disease, smriti bhramsh, kapha and vata are having more prone to such diseases. Cancers, arbuda, kapha is having a tendency of cancer. Asthma, kapha, liver cirrhosis, vata or pitta. Type 2 diabetes, kapha and vata. Chronic obstructive pulmonary diseases may be in kapha. Heart diseases, kapha and pitta. Metabolic syndrome, kapha and pitta. Chronic renal failure may be kapha and vata dosha. Osteoporosis or asthi ke jo bhi hote hai, it may be in vata and pitta dosha. Yes, yes, bataiye Usha ji, yes. हाँ मैम, मैं एक्चुअली एक मेरा लास्ट डे पेशेंट आया था, एक लेडी पेशेंट है, उसको आमवात है. जनरली ऐसा बोला जाता है कि आमवात में वात और आम का ज्यादा वो रहता है, पर उसका मैंने नाड़ी देखा ना मैम, तो उसमें कफ और रिलेटेड ज्यादा लग रहा है, कफ में मिल रहा है, वात में बिल्कुल नहीं मिल रहा था. मैंने कम से कम 10 बार उसका चेक किया होगा, और वात और थोड़ा हल्का सा पित्त साथ में. मैं क्या कर सकूँ उसमें, क्योंकि मैंने पेशेंट का हिस्ट्री लिया ना डीप में, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा शायद बिठाया था उसको. हाँ. उसका हिस्ट्री में ऐसा निकला कि वो कम से कम 7 ईयर से वो डाइक्लोफेनाक का यूज कर रही थी, तो उसमें ऐसा हो सकता है ना कि उसका रुक्षता आने के कारण शायद साइड इफेक्ट के कारण ना आया हो, ऐसा हो सकता है मैम. तो मतलब पेशेंट को अमवात का प्रॉब्लम है, लेकिन उस मतलब नाड़ी में आपको वात नहीं मिल रहा है. और हल्का सा पित्त है, तो मैंने अभी तो 2 ही दिन ट्रीटमेंट में नहीं दिया, नो डाउट बिग रिजल्ट है, पेन वेन सब रिलीफ हो गया आज जब उसका फोन था. तो मुझे लगता है कि कफ में भी हो सकता है ना, कफ में भी हो सकता है. हाँ हो सकता है. हाँ, ज्यादातर मैम हम ऐसा बोलते हैं ना कि आम बात का उसका पेशेंट हो तो नहीं देखिए नहीं आम बात के हेतु अगर देखे ना आपने, तो उसमें सरे आस्या स्वाप दिवा स्वाप वगैरह सारे जो हेतु है ना, आस्या सुख स्वप्न सुख, तो ये कफ में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो कफ में भी आम, क्योंकि आम प्रवेश होता है. हाँ आवरण कफ का ऐसा सोच के मैंने फिर उसका मेडिसिन दिया. हाँ. अभी तो मैंने विरेचन और गमन ही करवाया है, मगर रिजल्ट एकदम फास्ट मिला है. एक मेडिसिन आज से स्टार्ट किया और पेन बिल्कुल. अच्छा. रिलीफ हो गया उसको. हाँ अच्छा अच्छा. इसे हाँ तो मैं सिर्फ पूछना चाहे तो ऐसा हो सकता है ना मैम, कि मैंने अपने माइंड से मैंने अग्निमांडे में मैम कफ की नाड़ी ही मिलेगी ना. अभी हम लोगों ने जैसे नाड़ी का सेशन जो लिया है जोशी सर से, उसमें उन्होंने यही बताया यदि आमवाद पेशेंट है तो उसको कफ की नाड़ी ही मिलेगी प्रोमिनेंट. हाँ, बस बस बराबर एकदम बराबर.
तो मैम उनका डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, वात की नहीं देखे, वो आम बन रहा है तो कफ की नाड़ी ही मिली। मैं वही बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ कि कफ, हाँ यस यस एग्जैक्टली, वो बात सही है, कफ ही मिलेगी, मगर हम लोग जब संप्राप्ति बनाए थे तब उल्टा होता है ऐसा, इसीलिए कभी है ना पेशेंट का हिस्ट्री और नाड़ी पे ही चलो तो ही सही में रिजल्ट आता है, बाकी तो नहीं आता पेशेंट में। मतलब नाड़ी तो मुझे लगता है कि नाड़ी तो प्रकृति के हिसाब से ठीक है, बट जब दोषों की अवस्था या दोष या वैद्य की अवस्था होती है तो उस हिसाब से जो भी दोष बढ़ता है या कम होता है उस हिसाब से भी नाड़ी हो सकती है ना उस टाइम पे, हो सकता है। हाँ, तो नाड़ी तो चेंजिंग रहती है ना हमारी, पल्स इज ऑलवेज चेंजिंग ना, पल्स तो कभी ये नहीं करती ना, लेकिन हम नॉर्मल स्टेज में अगर होते हैं तो वी कैन कोरिलेट विद प्रकृति एंड नाड़ी। If we are observing the patient's pulse, we have to think about the increased or vitiated dosha. अगर यहाँ पे दोष vitiated है तो मतलब नाड़ी में तो वो दिखेगा ही ना दोष, है ना, क्योंकि डेली जो भी दोष डोमिनेंट होते हैं, डेली जो भी हमारा आहार विहार होता है उसी तरह से दोष बनते हैं और उसी तरह से हमारे नाड़ी में वो चलते हैं। अगर हमने मतलब जैसे सीजन वाइज या हमने देखा है ना दोषों का संचय प्रकोप प्रशम होता है, तो हर बार नाड़ी देखकर हम प्रकृति नहीं कर सकते, नॉट ऑफन, बट नॉर्मल स्टेज में है तो वी कैन ओके, आर यू गेटिंग? तो नाड़ी तो बदलती रहती है उसको नाड़ी में, आप हाँ, जब उसको सामने देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वात प्रकृति का ही होगा। अच्छा, पूरा हा, और उस एक्चुअल में कैल्शियम भी बहुत डाउन था उसका और आर ए फैक्टर भी बहुत हाई है तो। अच्छा। हाँ, और हिस्ट्री में भी उसको मम्मी को भी था, वो बहुत टाइम से था उसकी मम्मी को भी। Okay. तो उसी, हाँ, थोड़ा हेरिडिटी में भी जा रहा है उसका सिम्टम्स भी। So, मुझे लगता है ना सिर्फ प्रकृति को ही नहीं, मैं आगे भी अगर आप चाहे तो प्रकृति के साथ हमें धातु को भी देखना है, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम रसायन चिकित्सा करेंगे ना तो धातु को भी देखना पड़ता है प्रकृति के साथ। अगर धातु सारता या धातु के स्टेटस हम देखेंगे तो हमें हमारा ज्यादा मतलब जो भी नेचर है वो ज्यादा समझ में आएगा, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ अवर बॉडी, ओके, मतलब धातु कैसे है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दोषों को ट्रीटमेंट कैसे देना है, मुझे लगता है कि ये पार्ट थोड़ा मैं फास्ट लूंगी क्योंकि ये रूटीन अभी जैसे हमने पढ़ा था कि फॉर व्हाइल ट्रीटिंग कफ दोषा वी हैव टू यूज, सी वन रूल इज देयर, ट्रीटमेंट को करना है तो वी हैव टू यूज अपोजिट कैरेक्टर्स। इफ वी आर ट्रीटिंग वात दोषा वी हैव टू यूज अपोजिट कैरेक्टर्स लाइक स्निग्ध गुण उष्ण गुण, बिकॉज वाता इज ड्राई रफ। इफ वी आर ट्रीटिंग कफ दोषा we have to use opposite like dry, ushna, hot, such type. So for kapha, now langhan is preferable. Fasting unko dejiye kyunki already they are over-nourished persons. They are having a much amount of mouse and maida. तो उनके उनमें भी pungent, bitter, astringent जो भी उनकी pacifying रसा है उनको आप दीजिए। So opposite quality use करना है। So मुझे लगता है कि गुणों को आप समझे, characters always see for characters, गुण क्या है उसमें, जो भी दोष होते ना उसमें गुणों को हमें देखना होगा। So while treating kapha, use such type of techniques. So omitting, जैसे मैंने बताया, vomit is the classical treatment for kapha dosha. Then another major carminative herbs, उसमें अग्नि को metabolism by bitter tonics are given for kapha dosha. Avoid sweet, even sweet and tonic and decumulatant herbs may be useful in liquefying the kapha dosha. So if kapha, as kapha is called, it reduces or suppresses the digestive power, fire or herbs, so which promotes the digestion and stimulant. So is prakar se kapha mein hame vaman is preferable, then carminatives, then langhan and bitter tonics, not sweet tonics, see, not sweet tonics, bitter tonics we have to use, okay, not like chyawanprash, another tonics. Then for pitta, as pitta is always having the heat, fever, inflammation, infection, acidity, so here we have to use kapha suppressing like sweet taste and then heat, sweating, elevating, yeah, matlab sweating ko kam karne wale substances hame usme dena hai, cooling agent we have to use and heat dispelling therapy should be used in this type. So, vata is called dry, light, mobile in attribute. So, vata ke liye hume sweet, sour, salty, this type of materials, nutritive, jo bhi use karna hai. Vata ka to hum detail mein, bahut detail mein hota.
क्योंकि वाता प्रकोप इज ड्यू टू बार्ग अवरोध ऑब्स्ट्रक्टिव और इट मे बी लाइक डिप्लेटेशन ऑफ टिश्यूज. सो वात प्रकोप इज ऑफ टू टाइप्स, मार्ग अवरोध और धातु क्षय जन्य. तो इस प्रकार से दोनों के लिए अलग अलग हमें यूज करना है. जैसे अभी आपने कहा रूमेटिज्म में कफा और अर्थराइटिस और रूमेटिज्म में बायोकुमुलेटेड वाताविज में अल्सो गैदर विथ इट आमा. सो यहाँ पे आपको डोमिनेंट दिखेगा कफ दोषा. ओके, फॉर मार्ग अवरोध वी मस्ट यूज द हर्ब्स टू क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन. जो क्लियर करते उनको हमें देना है. कार्बोनेटिव हर्ब्स या डायफोरेटिक्स आल्सो प्रिफरेबल. इसके साथ साथ एंटीस्पॉज्मोटिक हर्ब्स आर रियली प्रिफरेबल फॉर वातदोषा, क्योंकि व्हेन वाता इंक्रीजेस देयर ऑलवेज हैविंग अ स्पास्म नर्वस ट्रीमर्स. सो फॉर वाता मसाज एंड सच टाइप ऑफ थेरेपीज लाइक उष्णता या डेली उनको मसाज देना, गर्म पानी, स्टीमिंग इज रियली प्रिफरेबल फॉर वाता डिसऑर्डर्स. अभी इसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. अभी मैंने बताया था प्रकृति दोषा एंड वाइटेटिव दोषा सेम, इट्स इजी फॉर ट्रीटमेंट बट डिसीज मे दिस मे बी हेक्टिक. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर्स. इसमें अलग अलग प्रकार से हमें देखना है, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी. नेक्स्ट नाउ यस, व्हाट शुड बी द प्रोफेशन, क्लासिकल प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू आवर प्रकृति. व्हाट शुड बी, what should we use as a profession? क्या हमें ये करना है? Career guideline. Yes. कौन से दोष प्रकृति को किस टाइप का बिजनेस करना है, क्या करना है, वर्क लाइफ क्या होना है, वर्क पैटर्न कैसे होना है. Yes. Any idea? Vata can do which type of work? Pitta can perform which type of work? And Kapha. Is it really worthy? कि अगर हमने प्रकृति के हिसाब से इसको देखा तो we get more success, more money and more achievements if we go with prakruti. Yes ma'am. Yes. Ashok sir, are you sleepy, lazy somehow? Yes, bataiye. No sound. No sound. Amna bataiye. Varsha ji. मैम अपोजिट प्रकृति का, जैसे उस प्रकृति से अपोजिट यदि वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. या सी वाता इज हैविंग एनर्जी मोबाइलनेस, सो ही प्रिफर्स वांडरिंग, उनको घूमना पसंद है. सो इफ दे प्रिपेयर सच टाइप ऑफ जॉब दे कैन डू इट इजीली, बट वी हैव टू लुक दैट कि वाता को कंट्रोल भी करना है. ज्यादा अगर इस टाइप का करेंगे तो वाता में गेट वाइटेटेड, बट एज कि अगर जो काम हमें मतलब हम कर सकते हैं उसको अगर हम करेंगे, आप वात प्रकृति को मतलब बोलोगे कि ये होटल है, होटल के गल्ले पे बैठो, इज इट पॉसिबल फॉर वात दोष टू सिट? नो. सो इफ ही इज कंफर्टेबल इन द सच टाइप ऑफ जॉब लाइक सुपरवाइजर, मार्केटिंग, सेल्समैन, पिग्मी एजेंट, टूर मैनेजर, मिमिक्री आर्टिस्ट, ट्रांसफरेबल जॉब्स, ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर भी अच्छा कर सकता है क्योंकि वो रात में जगता है ना, स्लीपी नहीं है. रेलवे, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, स्टेज आर्ट्स, म्यूजिशियन, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर. सो वाता पर्सन शुड प्रीफर फील्ड वर्क. सर्कस में भी काम कर सकते हैं, एज दे लव ऑफ सिंगिंग एंड सम हाउ मिमिक्री उन्हें पसंद है, गाना बजाना. सो है ना, बट इसको लाइक हमें इस प्रकार से लेना है कि वात ना बढ़े ज्यादा इस प्रकार के एक्टिविटीज से. तो उसका जो एक्टिवनेस है थोड़ा कम करना है, वर्किंग आवर्स कम कीजिए या वाता को रिड्यूस करने के लिए मसाज या बाकी के जो भी रिलैक्सेशन थेरेपी है वो आप करिए, प्राणायाम करिए. सो वाता कैन डू इट बेटरली. ओके, आर यू गेटिंग? पित्ता इज हैविंग ऑर्गेनाइज्ड वर्क, पित्ता इज हैविंग अ पैशन. सो पित्ता कैन डू मतलब जो भी थोड़ा बुद्धि का या इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, पित्ता कैन इजिली डू इट, ऑफिस वर्क. लेकिन पित्ता एज ही इज नॉट कंफर्टेबल इन हीट एंड सनरेज, सो घूमना फिरना, धूप में जाना, इधर उधर भटकना, दिस इज नॉट प्रिफरेबल. पित्ता पीपल कैन बी रियली क्लासिकली कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो दिन भर बैठे ऑफिस में एसी लगाई और अच्छा काम किया, बस. दिस इज अ टिपिकल पित्ता प्रकृति पर्सन, दे कैन इजिली डू सच टाइप ऑफ जॉब लाइक बैंक मैनेजर, प्रोफेसर, टीचर, राइटर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मेकअप मैन, और मतलब कॉम्पिटिटिव जो भी जॉब होते हैं ना, डोमिनेटिंग टाइप के, जहाँ पे वहां पे वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे.
एंड फॉर कफा, सी कफा इज लेजी, बट अगर हम उसको लेजी जॉब करने को लगाएंगे तो कफा को थोड़ा मूवेबल दिया तो प्रिफरेबल रहता है, बट मेनी पीपल रिफ्यूज बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ टेंडेंसी टू गो हियर एंड देयर एंड समहाउ, सो दे आर लाइक, बट दे आर हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ स्टेमिना, तो कफा को थोड़ा स्टिम्युलेट दिया, कफा को थोड़ा हमने एनर्जाइज कर लिया, सो दे कैन वर्क वेरी नाइसली, लाइक इन आर्मी नेवी ऑफिसर, फिजिकल ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर, सिंगर, फिलोसोफर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एथलीट्स, बिकॉज दिस पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन मस्ट हैव अ स्वीट टंग, सो दिस कपा इज हैविंग अ स्वीट टंग, एंड ऑल्सो देयर स्ट्रेंथ इज गुड, सो दे मे बी इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर, इस प्रकार का काम वो अच्छे से कर सकते हैं, दे कैन डू सच टाइप ऑफ जॉब प्रिफरेबली. आर यू गेटिंग एनी डाउट इन दिस? This is somehow new concept. इन्हीं अगर इसमें कुछ doubt है तो बताइए please. तो इस प्रकार से job जो भी हम अगर हमने job में भी प्रकृति का ये कर लिया, so really I think it will be really good for all if we select the job according to our prakruti, according to our constitution, according to our nature. Okay. So. इस प्रकार से थोड़ा ये अलग से मैंने यहाँ पे ये शेयर किया है, एंड नेक्स्ट इसी के साथ साथ थोड़ा एक जस्ट 5 मिनट्स का लेंगे हम और फिर ब्रेक लेंगे थोड़ा. जेम्स, जेम्स से पहले मैं थोड़ा इस पे ये करूंगी. Exercise. Ayurveda ke hisab se, as per Ayurveda, according to Ayurveda, one should work. How much exercise should one should do? One should perform? Amna, bataiye. Kitna exercise hame karna hai? Pasina aane sab. So half of your strength. Half of your strength. Aisa nahi hai ki chalo exercise kar rahe to pura zor laga diya ek din, dusre din uth nahi paate. No. It is not preferable. Ayurveda suggest half of your strength, ardha shakti vaya. Okay, so see, vata is arrhythmic, so rhythmic activities like dancing, rowing, yoga, swimming and walking are usually preferred for vata, and this should be warming, grounding, steady and strength building type workouts. In gym also one has to select exercise according to dosha, not only the weight, BMR and all things. Mujhe nahi lagta ye concept kabhi use kiya jata hai, and this is the secrets of prakruti ki is prakar se bhi hame sochna hai, dekhna hai ki hamare dosh kya hai, hum kis prakar se kaun sa vyayam hame karna chahiye. So see, just मैंने अभी बताया कि वाता टाइप बेनिफिट मोर फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर. वाता को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, जस्ट उन्हें हमें रिदम में लाना है, सो दे शुड डू माइल्ड और थोड़ा सा ही उनको एक्सरसाइज हमें सजेस्ट करना है, नॉट सच मतलब ज्यादा हेवी नहीं, बिकॉज दे आर हैविंग अ लो स्टेमिना, दे आर हैविंग अ लो स्ट्रेंथ, सो जस्ट फॉर एनर्जी, जस्ट फॉर देयर mental relaxation, we have to suggest them such type of exercises like pranayam, yoga, brisk walking is ideal for vata dosha. Vata people need to curb their enthusiasm and work slowly to build the real strength. Drink plenty of water before and during exercise, because vata may get dehydrated because they are having a dry body. Take energy snacks after exercise. Relaxation time after exercise is necessary. Have tendency toward joint problems. So, see, joint problems vata mein ho sakte hai, isiliye vata ko zyada hame nahi karana hai. So, exercise will be like that. Apply warm sesam oil or mustard oil before exercise. Wear supports like shoes, socks. This is really choti-choti baate hai, but really we should think about that. Smooth rhythm exercise preferred. इसमें पैसिव में रेगुलर वार्म ऑयली मसाज बाय लविंग सपोर्टिव काम सेंसिटिव इंडिविजुअल. तो इसमें हमें मतलब पैसिव मसाज अगर देते हैं तो वाता इज रियली गुड, इट्स रियली गुड फॉर वाता दोषा. एक्टिव में स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंक्लूड ट्रम्पलोलिंग, रिबाउंडिंग, स्विमिंग, वॉकिंग एंड बैलेट डांसिंग. पैसिव
Vata should prefer yoga posture and yogic breathing. So Vata people are more interested in sensible forms of energy, like during meditation, prayers, songs, chants, musical instruments. तो ये ज्यादा प्रीफरेबल रहेगा वाता प्रकृति के लिए. टाइट शेड्यूल ऑफ वर्किंग हैम्पर वाता मेंटली. सो वाता को कभी टाइट मत कीजिए, क्योंकि दे आर लाइक मूविंग, हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग. सो उनको बांध के मत रखना. प्रीफरेबल आसन पवन मुक्तासन, वीरासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन एंड धनुरासन, बस्ती, नौली. सो दीज आर प्रीफरेबल फॉर वाता दोष. पित्ता, सी पित्ता इज हैविंग अ फायरी बॉडी. सो पित्ता, कीपिंग इन माइंड like increases, like the fiery pitta needs to be carefully not to burn themselves out or push too hard. Pitta mein zyada heat hoti hai. So I matlab usually hame advise karna hai the pitta individual work out to about 70% of their capacity pitta ko, because pitta people having athletic body, strong competitive spirit, but after exercise they should take rest. अगर ज्यादा कंपटीशन से वो मतलब जो भी गेम होता है वो खेलेंगे, जो भी करेंगे तो उनका बढ़ सकता है. तो इसीलिए दे ऑलवेज प्रीफर एडवेंचर स्पोर्ट्स, डेंजर लेवल कॉम्पिटिटिंग विद ऑड्स और एलिमेंट्स, बट दे इजीली एग्जॉस्टेड एंड इरिटेबल ड्यू टू सनलाइट वाटर. सो वाटर स्पोर्ट्स प्रिफरेबल फॉर पित्त दोषा. To satisfy the pitta individual competitive nature, a friendly game of foot basketball, team volleyball will be just fine if they are mindful. So see, pitta is jealous and competitive nature. So isko kam karne ke liye hame usko sabke saath jo bhi game khele jaate hain usko hame prefer karna hai. Team jo bhi game hote hain, team work type ke. So passive mein self massage satisfy, active mein swimming, water skiing, aerobics, game hunting. Passive active दोनों मिलकर भुजंगासन, अर्ध शलभासन, शलभासन, उद्यान बंद is preferable for पित्त दोषा. कफा, the blending of earth and water element, the qualities of heavy, slow and stable. So kapha will benefit the most from physical during the morning hours 6 to 10 a.m. which is the kapha time. So kapha should do exercise during this time. And they fond of active exercises. They have good endurance, stamina. उनमें ज्यादा होता है, mental capacity भी ज्यादा होती है. तो आप कफ को भगा सकते हो जितना भी चाहे, जितना भी hard movements होती है. We can go with kapha dosha. इसमें walking है, bowling, football, horse riding, belly dance, deep massage, vigorously tapping of the body, active and passive yoga posture. So breathing exercise, जो भी सबसे ज्यादा movable exercise होती है, they can be preferred for kapha dosha. कफा कैन इजीली सीट कॉन्सेंट्रेट डिवोशनल, बट थोड़ा कफो को हमें लेजी होते हैं तो उसको थोड़ा स्टिम्युलेट करना है. सो दे कैन कॉन्सेंट्रेट बिकॉज दे आर हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ सीटिंग एट वन प्लेस. सो दे कैन डू इट इजीली, बट फॉर स्टिम्युलेशन म्यूजिक लगाओ, परफ्यूम यूज करो. सो कफा कैन गेट स्टिम्युलेट एंड दे कैन परफॉर्म द एक्सरसाइजेस मच गुडली. सो जस्ट यहाँ पे मैंने एक वीडियो में प्ले करूंगी. और पित्ता, दिस इज प्रिफरेबल एक्सरसाइजेस. So this is all about many concepts we have covered in this session. So I think we have to take 10 minutes break. After 10 minutes we will join again and complete the another portion of like color and gems, okay? And this will be live on Facebook also. So I'm just ending the session for 10 minutes, okay? Just have a tea or break, whatever you prefer according to your dosha, okay?